बस चाहिए का एक लंगोटी चाहिए हमने ये बांध की स्वाप यही बहुत यही बहुत का कर हम टंग टन क्यों रखे प्यार शर्म के मार डर बिल्कुल शर्म हमने का कर दो हमने तो घर हो जाए ना प्रभु ने नंगोई भेजे हो आदमी जीव संसार में आयो है नंगोई आयो है बिल्कुल पर तो बाबा भक्ति में बड़ी बड़ी बाधा हमें ये ये, ये तो आती ये तो, पिछले आ रहे कर्म आगे को पिछले कर्म अब के कर्म दिख जाए तो आदमी तो फिर तो सब दुनिया भक्ति कर लेगी तुम्हारा ये संसार में कैसे जीव भक्ति की तरफ जाए वह कहा करना चाहिए मैंने बताया जितनी राधा रानी पर कम लगी अपने आप अनुभव आ जाए साल छह महीने करके देखो एक बार पता लग जाएगा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पग बंधन किए सत बिगन अनेक इनके पग किए अनेक आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं और आज हम आपको लेकर के आए हैं काम में वन के जंगलों में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दूर तक आबादी के कोई निशान नहीं है और यहीं एक संत भगवान विराजते हैं कैसो उनको भक्ति को अनुभव है कहाँ से बाबा पधारे हैं और कैसो आनंद वो यहाँ रह के प्राप्त करें हैं ब्रजभूमि में तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आज आनंद लेते हैं संत के दर्शनों का और संत के सत्संग का तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और श्री जी ने जो सेवा भेजी है वो सेवा भी बाबा महाराज के चरणों में निवेदित करेंगे और आनंद लेंगे बाबा के सत्संग का आइए और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आबादी के कोई निशान नहीं है और ऐसे जंगलों में रह कर के ये संत प्रभु की दिन रात आराधना करते हैं दिन रात तपस्या करते हैं वो जो सामने आप देख रहे हैं पेड़ उसके नीचे बाबा महाराज का आश्रम है कुटिया बनी हुई है वहां तक हमें पहुंचना है आइए और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पथरीले मार्गों पर ये संत चलते हैं देखिए आप इसको कटेरी कहा जाता है जिसमें पूरे वृक्ष में कांटे होते हैं और ऐसे जंगल में अनेकों वृक्ष हैं संत जब इन्हीं मार्गों से कहीं जाना होता है तो इसी मार्ग से जाते हैं और ये कटेरी कई बार संतों के पैरों में भी चुपती हैं पर अपने सुख की कोई चिंता ही नहीं है इन महापुरुषों को अपने जीवन को न्योछावर कर दिया है किशोरी जी के श्री चरणों में और आप देख रहे हैं वो बाबा महाराज की कुटिया दिखाई दे रही है वहीं चलते हैं और आनंद लेंगे बाबा के सत्संग को आओ और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पे आइए प्रवेश करते हैं और पहले मैं बाबा महाराज की कुटिया की आपको दर्शन कराऊं देखिए कैसी छोटी सी कुटिया है इसी में बनाने खाने का भी साधन है बाबा महाराज स्वयं अपने हाथों से प्रसादी बना में भगवान को भोग लगा में और यहीं पा में और ये बाबा के गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं रामदास फलारी बाबा आप बाबा महाराज की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप बाबा महाराज की वीडियो देख सकते हैं आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरण में बाबा आपको प्रणाम ये श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा थोड़ी सी राशन की सेवा है ये आप स्वीकार करो या मैं कुछ दवाई वगैरह भी है ट्यूब वगैरह तो अगर जरूरत हो तो आप सेवा में ले लेंगे तो दास में कृपा होगी क्योंकि कई बार ऐसा है जाए जंगल में पैर में चूट लग जाए कर जाए तो आके ट्यूब है और राशन को जो सामान रसोई में काम आवे बारो दाल चावल चीनी ये सब है ये आप ठाकुर जी की सेवा में काम में लीजिए और आइए अब प्रारंभ करते हैं आज को सत्संग बाबा महाराज को कैसो भक्ति को अनुभव रहे हो कहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसे आनंद को प्राप्त करें हैं बाबा महाराज के श्रीमुख से जानते हैं आइए चलते हैं पहले प्रणाम निवेदित करते हैं और उसके बाद बाबा की जो भक्ति को अनुभव है कैसो आनंद प्राप्त हैं बाबा आपके चरणन में बार बार प्रणाम। दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊ सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ प्रकाश दास कितन समय आपको यह मार्ग पे चलते हुए रह गए बाबा तीन चार साल तीन चार साल तो कैसे बाबा ये प्रेरणा आपको प्राप्त हुई कि मुझे यहाँ मार्ग पे चलना है मैं राधा रानी की परिक्रमा करता जी वहाँ से आई कि सूर्य जी की परिक्रमा आप करते जी और परिक्रमा देते देते मन में ये भाव प्रकट भयो क्योंकि प्रभु जो भी लीला करें वहाँ को माध्यम कोई ना कोई बने राधा रानी की कृपा हुई मोहब्बत तो आज के समय में बाबा संसार को त्यागना बड़ो मुश्किल काम है क्योंकि हम संसारी जीव संसार में ही सुख को तलाश कर रहे हैं और आपने बड़े सहज में संसार को छोड़ दियो ये कैसे आपके ऊपर कृपा की जी ऐसी बहुत दिन से इच्छा बाबा जी होंगे घर के मना कर दी मैं शादी नहीं कराऊंगा माता पिता को बोल छोटे की करा दी मैंने बड़े की करा दी मैंने मना कर दिया बिल्कुल क्योंकि ये लक्ष्य पहले से ही निर्धारित हो कि वो भगवत चरणन में जानो है और संत जीवन जीनो है बिल्कुल तो बाबा भक्ति को कैसो अनुभव आपको तीन साल को को रहे 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 हो कैसे परम सुख आप प्राप्त आनंद आनंद आ आ खूब खूब जोर तो आप जब जंगल में रह रहे हैं या जंगल में कैसे आपकी व्यवस्था कैसी आपकी दिनचर्या और कैसे व्यवस्था श्री जी आपके खावे की पीवे की कैसे करें राधा रानी करे सब कुछ हम ना जी जी मैं तो जो जनता मुझे कोई मतलब नहीं जी जो करती हो वो सही रातल को दोष ना ना। जो कछु कर रहे, हो, कोई रहे वो लेना देना ना है। जी। तो बाबा हम लोग ऐसे भाव कैसे जागृत हो आप जैसो भाव हम कैसे बना पा क्योंकि हमें अपने दोस्त तो दिखाई ना दें संसार के दोष हमें दिखाई दे रात लगे छह महीना केवल किशोरी के जी को नाम जपो बिल्कुल और उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है और सब नकली चीज है जी राधा राधा है बस है तो हमारे मुँह पे यही है राधा 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 और कुछ नहीं है पर बाबा ग्रस्त में रह के भजन भी तो ना है पावे खूब हो शादी कर दियो जी आप खूब आ जाओ ग्रस्त में लेकर के बाबा जी खूब ऐसा क्यों कर लेना है हमारे गुरु जी हैं ऐसे ऐसे। बहुत संत आपके गुरुदेव भगवान फलारी फलारी जीवन को रोज कल्याण करें बाबा महाराज के दर्शन के लिए देश के अनेकों स्थान लोग रोज पधारे बड़ो ही निर्मल जीवन है बाबा महाराज को तुम्हारा संसार में कैसे जीव भक्ति की तरफ जाए वह कहा करना चाहिए मैंने बताया जितनी राधा रानी पर कमर लगेंगी अपने आप अनुभव आ जाए वो साल छह महीने करके देखो तो एक तो बार पता लग जाएगी सब चीज तो बाबा भक्ति में बड़ी बड़ी बाधा हमें ये 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 और तो पिछले आ रहे कर्म आगे को पिछले कर्म अब के कर्म दिख जाए तो आदमी तो फिर तो सब दुनिया भक्ति कर लेती हर तो आदमी थोड़ी कर भक्ति पिछले कर्म आ रहे हैं आगे और यार मर रहे हो फलाने को है गो तो गो

कूलर फुको पंखा फूको अरे ठाकुर जी ने खराब कर दी लाट नहीं आई तो ठाकुर जी ने कर दी नहीं सब हमारे दोस्त है सब जितनी देर गर्मी मनो मन मनो जो विधि को विधान पहले से निश्चित है वही होगा, पर बाबा फिर संसारी जी को मन ऐसा के मन माने ना आए सब बातें जाने पर माने ना है। ऐसे लोग तो बहुत ऐसे सब जा देखो आज को लोग धर्म धर्मे अधर्मे सब जाने के बुरो कर्म करेंगे तो या को परिणाम ये परंतु फिर भी वह बुराई की तरफ ही जीव जाए बिल्कुल लंगूठी चाहिए हमने बांध रखी यही बहुत यही बहुत कहा करना हमने टंग टन क्यों रखे शर्म क्यों रख रहे शर्म हमने कहा कर दो हमने तो घर हो जाए ना प्रभु ने नंगोई भेजो है आदमी जीव संसार में आए हुए नंगोई आए हुए बिल्कुल बाबा या संसार के लिए आप क्या उपदेश देना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं उन भक्तन के लिए क्या आशीर्वाद आप राधा राधा रटो और कुछ नहीं है ये हमारा संदेश तो और कछु करवे की जरूरत ना है तो बाबा राधा राधा कितनी देर जपना चाहिए जितनी देर सांस आरो जब तक तो बाबा ग्रस्त में रह के और भी तो कार्य हो काम करते रहो काम करते रहो नाम में तो कहा नाम अच्छा काम करते रहो नाम जपते रहो बिल्कुल ये ना है कि माला लेके तीन घंटा बैठ जाओ आंख बंद करके माला तो, ही तो हम तो दुनिया दिखाने की है तो माला तो। राधा राधा तो दिखाना नहीं है किसी को चुप करो भजन दिखनी ना चाहिए मोड़े बोल रहे हो तब तो का पता तो कौन बोल रहे हो क्या बोल रहे हो बिल्कुल हर आदमी ना पता लगना चाहिए भजन कर रहो ही मन में राम चलते रहना चाहिए बिल्कुल भीतर ही भीतर नाम चलते रहे काम कोई भी करते रहो और यही बाबा संसार से मुक्ति है जाएगी बिल्कुल हम देखे हैं अभी अरे बाबा जी तुम माला ना कर कहा माला करेंगे हम तुम बताएंगे हमको माला बाबा जी तुमने करें ये तो ठाकुर जी ने करे राधा राधा कब जप रहे हम कब सो रहे कब जग रहे है तो संसारी जीव तो भैया देख के प्रसन्न हुए ना कि माला लेके बाबा जी आंख बंद करके तीन घंटा बैठे हुए तो बड़ो भजनानंदी है वह चीज है तो देखे ऐसे ज्यादा ऐसे ज्यादा संत के ज्यादा जा रही जनता हम जैसे इनके डोंगोरी कम आ रही है कुछ नहीं दिखाना हमने चुप रहा आज चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं लोग हाँ। बाबा बड़े परेशान है हमारे बालक को बहाना है ऐसा आशीर्वाद है हमारे बालक को ब्याह जाए ये सब प्रश्न ने लेके नहीं है बाबा जी के पास संतन के पास लोग जा रहे हैं और मैं तो बाबा मेरे अनुभव की बात बताऊं तो संत के पास तो केवल एक ही प्रश्न लेके जाना चाहिए कि बाबा प्रभु के चरणन तक कैसे पहुंचे जाएगा वो रास्ता हमें बता दे चीज कोई ना पूछे यहाँ कम पूछे आदमी राधा राम को कम प्रचार है जी ये वैसे ज्यादा सं, संत के उपास गए तो संसार ही मांगेंगे हाँ। मेरे छोरा पढ़े भे पांच साल है गए बाबा नौकरी ना लग रही है की नौकरी लगवाओ बिल्कुल ऐसा आशीर्वाद नौकरी लगे रही ठाकुर जी तेरे नकली

क्योंकि भक्ति के मार्ग में पग पग पे बाधा है तो इतनी लग रही है का रहना मुश्किल है अच्छा बाबा जी भगे हम यहाँ रहे हैं। ये हर लोग की जब तो कोई नहीं हो यहाँ जब हमें लगे जब तो कोई नहीं हो अब तो सब ही दिख रहा है सामान कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा पता तो राधा रानी अपने आप भेज रही है और ये जब तक ही भेज रही है अब तक बाबा यहाँ रह रहे हो बिल्कुल बाबा के जावे के बाद ये सब बंद जाएगा सिस्टम बिल्कुल क्योंकि जीव की भागवानी और जवानी अपनी अपनी अलग हो सबकी बिल्कुल और संत तो महाराज जहां चले जाए वहीं मंगल है जाए जंगल में जाके लग जाओ देखो फलारी बाबा जंगल में कैसो आनंद सर्व आनंद है महाराज बिल्कुल ऐसे मैंने कह दी ज्यादा परेशान करो मैं तो और कम जा रहा हूँ तो संत तो जाने में ही मंगल है जाए जंगल में मंगल है ऐसे मैंने बोल दी कि ज्यादा परेशान में ज्यादा करेंगे तो मैं तो और घूम जाऊ गिरा डालूंगा जी हमने कहा चाहिए यही चाहिए ये कहा चला बस होना चाहिए समय काटे तो है ही का बिल्कुल और मौज ले तो चाहिए ही का ये इस, इस कुए की मेहरबानी से रह रहा हूँ मैं तो इसको मीठा पानी है अच्छा पानी है दो बाबा कुआ को क्या भाव है काय के उद्देश्य आपने ये जो है यहाँ छोटो सा तालाब भी बना रखो है यहाँ के पीछे क्या भाव है आपको यहाँ हमारी बस्ती वाले ने जगह छोड़ रखी अच्छा इसमें मैंने पानी भर दी अच्छा पानी चल रहा है इसमें मच्छी डाल दी अच्छा मच्छी चुकाऊंगा और बाहर के जो जीव जनावर हैं वो भी गर्मी में पानी पीवे आमे गैया गौ माता तो कम से कम सौ दो नित्य डेली अब आई नहीं है तो बता दें तो टाइम और है सुबह आठ बजे से शाम को पांच बजे तक आ रहे हैं अच्छा हाँ। जब प्यास लगे गौ माता यही आके पानी पी तो एक तरह से ये तो बाबा सेवा है गौ माता की सेवा है मछली की सेवा है रही है लोग तो इन पेड़ में चाट रहे बाबा हम मना करते हैं, मत बड़ी करी है आपने बड़ो सुंदर स्थान बनाया है ठाकुर जी ने अशोक जैसा अनुभव हो यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है बड़ो सुंदर को को आश्रम वातावरण को है और मैं आपको बता ना सकू मैंने जो अपने हृदय में यहाँ आनंद प्राप्त करो है बड़ो सुंदर यहाँ आनंद आयो बड़ो आनंद तन को और मन को दोनों को मिले हुए बोल राणी की कृपा हम पे था जी कुछ पे है कि नहीं है हम तो अपनी बता सकते हैं राधा रानी एक मिनट में याद चल तो चल ही दूंगा महाराज मैं आप भक्तन से निवेदन करूं संतन की कैसी विचित्र महिमा है महाराज एक मिनट में तो सब संसार मेरो है और दूसरे ही खेण कच्छू मेरोना है एक मिनट में सब कुछ छोड़ के चल दे महाराज ऐसा इन महापुरुषन को जीवन है काउते कोई मोह नहीं है और मोह है तो सब संसार मेरो है जो इनके पास आ गया वो इनको है बिल्कुल और अगर मन में भाव उत्पन्न भयो तो उठ के चल दिए हमारे ब्रज में एक कहावत हुए राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत बचते रिजो परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत संतन के कोई ऐसी प्रीत नहीं होती है प्रीत करें तो खूब करें और ना करें तो दूसरे खण का चुना है मेरो सब संसार बेकार है ऐसी महापुरुषन की है और श्री जी के चरणन को आश्रय लेके दिन रात संसार के मंगल की कामना को लेके नहीं ये भजन करें इनको अपनों कोई स्वार्थ क्या है एकता नहीं तो है इनके पास ना कोई इनके बच्चा है ना कोई घर है ना गृहस्थ है कुछ नहीं है केवल सब सुखी रहे सब आनंद में रहें यही कामना लेके नहीं है बाबा आपके चरणन में दास को एक निवेदन है अगर आपको कोई सेवा की आवश्यकता हो तो या दास को आप आदेश करो कोई भी सेवा कर दो बाथरूम बनवा दे कछ बनवा दे मतलब शौचालय की आपको आवश्यकता है जरूरी है रात बरात खेत खटका मशीन लग रही है बाबा जंगल तो है ही है कई बार जीव जनावरण को भी खतरा रही रात को दो बजे कई बार अस्वस्थता शरीर की हो जानो पड़े तो अपने शौचालय में अपने पास में ही हो तो अपने फट से चले जाओ सब खेतर वाले खटका लगा रखे अच्छा बिजली करंट वाले अच्छा तो रात को यहाँ से जानो खटका लगेगा जरूर बाबा मैं प्रयास करूंगा लाडली जी कृपा करेंगे और कोई ना कोई भक्त को माध्यम बनाए के ये सेवा आपकी बहुत जल्द रह जाएगी देखो भाई मैं प्रयास जरूर करूंगा देख लीजिए आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त हुए महाराज के जीवन को धन्य है गए आज जीवन आनंद है गए महाराज क्योंकि ऐसे दुर्लभ जंगलन में ऐसे संत आनंद से रहे महाराज के जिनके दर्शन मात्र से ही जीव के पाप नष्ट हो जाए और ज्यादा समय नहीं बहो मात्र तीन साल की अवस्था केवल गुरु को संग करो है और गुरु की ऐसी महिमा है कि आज बाबा महाराज को ऐसे महान विचार हैं कि महाराज पूछो मतीना बाबा संसार के लिए कछु आप आदेश करें कैसे जीव प्रभु चरणन तक आवे कैसो आचरण करनो चाहिए ग्रस्त में रह के नहीं यहाँ गौ सेवा करनी चाहिए संत सेवा करनी चाहिए क्या आचरण करनो चाहिए कैसे भजन कितनी देर करनो चाहिए कैसो कर्म करनो चाहिए आप कछु बताओ इससे ज्यादा गाय की सेवा उसकी भूखे की सेवा इससे ज्यादा किसी भी नहीं मतलब दरवाजे पे कोई आवे तो भूखो न जाए बिल्कुल कछु भी स्वागत हो पर स्वागत जरूर जरूरी ये ग्रस्त को धर्म है बिल्कुल गाय गौ माता आवे तो गौ माता की सेवा करो बाबा गौ माता की भी आज बड़ी दुर्दशा में संसार में देख जब, दे रहे हूँ जब तक दूध पीने जब दूध दे रही है गौया मैया तो घर में रखी है और जब गौया मैया ने दूध देना बंद कर दो तो घर से भगा दें। दे डंडा मार के भगा दें बिल्कुल ऐसे भाव लोग उनके है और वैसे देखो तो महाराज पूछो मतीना बिल्कुल और दूसरी चीज और देखने को मिल रही है महाराज अनेकों स्थान पर यात्रा के काजे जा रहे हैं घर में माता पिता भूखे रो रहे हैं पानी पिलावे पिला कोई नहीं है कहा गए भाई वृंदावन जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और तो बताओ ऐसे लोग उनकी मुक्ति है पावेगी कहा ऐसे लोग दर्शन को फल मिलेगा कोई नहीं मानता ऐसे राधा राधा जो रटेगो सब बीमारी कटेगी सीधी दिशा हमारे ब्रज में कह राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए अनेकों प्रकार की जीवन में जो बाधाएं हैं केवल एक नाम मात्र राधा नाम लिए से वो सब बाधान को अंत जाए ऐसी प्रबल महिमा है हमारी किशोरी जी की और बाबा भी हमारी किशोरी जी को दिन रात भजन करें उनके चरणन को आश्रय लेके ही बाबा यहाँ जंगल में बराज रहे और खूब परम आनंद है परम सुख है बाबा आपके चरणन में खूब खूब धन्यवाद जो आपने आदाश के ऊपर कृपा करी और अपनों अनमोल समय निकाल के मोकू समय दियो आपके चरणन में बार बार प्रणाम बाबा आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम आज आपने ब्रज के ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद रस अनुभव करो है वो आनंद रस आपको कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि सभी भक्तों को ऐसे महापुरुषों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सकें अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे अलौकिक संतों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और ब्रज के संतों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करें तो मिलते हैं ऐसे ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे